तो दोस्तों गेल ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में थोड़े से मिक्स है, समझने वाले नंबर्स है, समझिएगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रिलेट करूंगा इस नंबर्स को कुछ और सीरों से, क्योंकि नंबर्स बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 38,728 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू, पिछले साल 26,175 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 35,939 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू बना है। तो साल दर साल बोल सकते हैं कि साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, अप्रोक्सीमेट बोल सकते हैं 35% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे 6% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो ये गिरावट क्यों है वो मैं आपको बताता हूं क्यों गिरावट है, लेकिन चलिए पहले एक्सपेंस देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 37,601 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 22,202 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी के खर्च 36,276 करोड़ के आसपास है। तो कंपनी का जो ओवरऑल प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1304 करोड़ का था, पिछले साल 3800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 397 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट बना है। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये यहाँ तो प्रॉफिट गिर गया है तो नंबर्स अच्छे कैसे हुए, तो देखिए अच्छे इस लिहाज से हुए, मैं अभी आपको बताऊंगा। कुछ समय पहले IGL के भी नंबर आए, IGL के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आए, उसमें भी सेम यही पैटर्न फॉलो हुआ है, क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का वहाँ भी रेवेन्यू गिरा था, क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट वहाँ भी गिरा था। तो ये बड़ी बात नहीं है क्योंकि पिछले 3 महीने से आपको पता है कि कमोडिटी के दाम कितने ज़्यादा बढ़े हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा कम हुआ है, कितना महंगाई बढ़ा है आपको पता ही है। उस वजह से कंपनी का जो मेन जो कॉस्ट है वो इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ इस क्वार्टर में देखने को मिला है। ऊपर से कंपनी ने कुछ अदर कॉस्ट में भी इस क्वार्टर में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेंस खर्च कर दिए, जिसकी वजह से एक्सपेंस हाई हुआ है और एक्सपेंस हाई होने की वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है इस क्वार्टर में आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होगी इस नंबर से, क्योंकि IGL भी ऐसे नंबर्स देने के बाद पॉजिटिव में ट्रेड करता हुआ देखने को मिला था, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होगी यहाँ, बहुत 2-4% ऊपर या 2-4% नीचे बस यही होगा, इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ होना चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।